ये आ गया आलू गोभी का पराठा। कम से कम 10 फुट दूर से ये फेंक रहे हैं पराठा और वो तवे पे आ रहा है, तो काफी अच्छा है। ये है अंडे वाला पराठा, साथ में इतना सारा मक्खन और ये हरी वाली मिर्ची और हरी वाली चटनी। ये देखिए तांबे का जग है और कुल्हड़ में चाय दे रहे हैं। गोरे गोरे चेहरे दिलों के काले हैं, लंबे लंबे सांप आस्तीन में पाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं मंजीत मुंद्रा, आशा करता हूँ आप सब अपनी जगह ठीक ठाक होंगे। आज मैं दिन में नहीं रात में आपको लेके जा रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया लोकेशन है ये, गुड़गांव की लोकेशन है। अभी मैं गुड़गांव की लोकेशन में हूँ और मैं जा रहा हूँ दिल्ली, और वहाँ पे एक बहुत ही मशहूर बताते हैं कि वहाँ पे है फ्लाइंग पराठा। तो उसे फ्लाइंग पराठा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब वो फेंकते हैं तो एक तरफ से दूसरी तरफ वो उड़ते हुए जाते हैं, वो ही दिखाते हैं दोस्तों आपको आज। और आज व्लॉग में बने हुए अपने साथ फिर से फूड लवर राहुल और जेडी भाई पीछे बैठे हुए हैं, और देखते हैं वहाँ पे क्या हम आपको दिखाएंगे। ये देखे दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ अभी ये फ्लाइंग पराठा की जगह है। यहाँ पे आपको पराठे उड़ते हुए दिखाई देंगे मेरे पीछे, और ये देखें आप, ये देखो। किस तरह से ये पराठे फेंके जा रहे हैं और यहाँ पे कैसे उसी टाइम लगा देते हैं, तो ये भी बहुत ही पुरानी टेक्निक है, मतलब बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस है इनका। ये देख रहे हो दोस्तों, 10 फीट दूर से और करीब करीब 10 फीट ऊंचाई से पराठा ऐसे उड़ता हुआ आता है सीधा तवे पर, और ये गया मेरा पराठा। अपने राहुल भाई यहाँ पे पहले भी आए थे। अच्छा, ये कितने साल पुराना है भाई ये यहाँ पे? करीब करीब 20 साल पुरानी दुकान है, अभी जो है ये 24 घंटे चलती है। अच्छा, 24/7 है। हाँ, कोरोना टाइम में बंद हो गई थी। ठीक है, बाकी भैया टेस्ट करके आप बताओ कैसा लगा। अभी हमने भी ये आलू गोभी का पराठा ऑर्डर कर दिया है, जेडी भाई लाइन में लगा हुआ है, और अभी पराठा भी टेस्ट करके बताएंगे। मुझे लग रहा है अच्छा ही होगा पराठा, तो इसीलिए इतनी भीड़ भी लगी हुई है। आलू गोभी का पराठा ये देखो दोस्तों, ऐसे ये 10 फुट से लगभग, कम से कम 10 फुट दूर से ये फेंक रहे हैं पराठा और वो तवे पे आ रहा है, तो काफी अच्छा है। और अभी अपना भी पराठा आ जाएगा, फिर हम वो खाएंगे पराठा, फिर बताते हैं टेस्ट उसका। पराठे के साथ अगर चाय हो तो मजा ही कुछ हो रहा है, और चाय भी लेंगे भाई से हम, अपना 3 चाय भी बनवा लेंगे। ये देखिए कितनी गाड़ी गाड़ी बढ़िया चाय बना रखी है इन्होंने। नाइट में डिनर की जगह आज हम ये पराठा खा रहे हैं, जो ब्रेकफास्ट में खाते थे वो आज डिनर में लेंगे हम यहाँ पे। राहुल भाई ने बताया था तो आगे हम आज इसलिए यहीं पे। मैं बोलूँ कुछ? हाँ भाई, चाय बड़ी टेस्टी है, जरूर ट्राई करना, और मेरे लिए तो मतलब एक चाय तो बनती है। तो भाई ये आ गया अंडे का पराठा, चलो ट्राई करते हैं। ये आ गया आलू गोभी का पराठा। लो भाई, अपने अपने पराठे ले लिए हैं, अब लाइन में लग के खाते हैं अपने पराठे हम भी। हाँ, चाय भी ले आते हैं एक बार है। ये यहाँ कुल्हड़ के कप में देते हैं चाय। ये देखिए तांबे का जग है और कुल्हड़ में चाय दे रहे हैं, ये देखिए दोस्तों। जेडी भाई ने भी चाय ले लिया, पराठा ले लिया है, राहुल भाई ने भी, और अब अपना पराठा खाना शुरू करते हैं। काफी भूख लग रही थी तो ये देखिए। ये है अंडे वाला पराठा, साथ में इतना सारा मक्खन और ये हरी वाली मिर्ची और हरी वाली चटनी, और ये इधर पचरंगा अचार भी है, तो मैं तो ये जरा सा लगाता ही जरूर हूँ। सही है। और जेडी भाई तो अपना आलू गोभी का, आलू गोभी ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है देखने में। स्पाइसी है यार, नॉन स्पाइसी, ठीक है नॉन स्पाइसी सही है। ये स्पाइस थोड़ा कम खाते हैं हम तो, खाई लेते हैं कोई ऐसी बात नहीं। और ये देखो कुल्हड़ की चाय और चाय के साथ अपना पराठा, ये भी टेस्ट करते हैं दोस्तों। मैं तो ये पराठा परूठा खा के, मेरा तो बड़ा मन कर रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने का, थोड़ी सर्दी भी हो रही है, मगर मैं तो कोल्ड ड्रिंक लिए है, बड़ा मन कर रहा था पीने का। मगर जेडी भाई तो अपना लगा हुआ है खाना खाने में, दोपहर में भाई ने थोड़ा कम ही खाया था, तो आलू प्याज का पराठा पसंद आ रहा है जेडी भाई को, तो वो लगा हुआ है खाने में, मैंने भी खा लिया है। बाकी अच्छा, अभी भाई ने बुलाया था मेरे को। हाँ भाई,
अच्छा आप यहीं पे काम करते हो क्या भाई? हाँ। अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या क्या वैरायटी के मिलते हैं, क्या क्या जो भी यहाँ की खासियत है, टाइमिंग, प्राइस, जो भी चीज है भाई यहाँ की डिटेल बता दो आप मेरे को। भाई शाम से 8 बजे से और सुबह 5 बजे पराठे चलते हैं। अंडा, आलू है, प्याज है, मिक्स है, गोभी है, सर हरे हरे पराठे मिलते हैं। 30, 40, 50, 80, 100 रुपए तक पराठे मिलते हैं और हर रात चाय मिलेगी, हर रात पराठे मिलेंगे आपके लिए खाने के लिए। सुबह माओ शाम माओ कोई दिक्कत नहीं आपके लिए खाने में। आपको कितने साल हो गए यहाँ लगे हुए? 7 साल हो गए मुझे इधर काम करते करते। अच्छा अच्छा अच्छा। पराठा एक चीज का फेमस है इधर। हाँ। पराठा खाओ मजा लो। और आप आपकी ये लोकेशन भी बता दो, आपकी लोकेशन कौन सी है अगर किसी को आना हो तो? सफदरजंग 6 नंबर गेट पराठे वाली दुकान। ठीक है ठीक है, ये हमारी लोकेशन है। तो दोस्तों ये भाई ने लोकेशन भी बता दी है, टाइमिंग भी बता दी है और जो भी ये प्राइसेस है पराठों के ये भी बता दिए हैं। मेन ये इसीलिए फेमस है कि ये फ्लाइंग पराठे हैं, उड़ते हुए दिखाते हैं ये पराठों को और 10 फुट की दूरी से फेंकते हैं तो वो भी सही जाता है हमसे तो, बल्कि 1 फुट पे भी फेंके वो भी हमसे तो होने वाला नहीं होता। हाँ राहुल भैया क्या कर रहे हो? भाई मैंने तो पराठे टेस्ट कर लिए, खा भी लिए, अभी बस मैं चलने की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को जाके कुछ नींद भी आ रही है तो सोना भी जरूरी है। दोस्तों पराठा यहाँ पे खा लिया है और आपको ये बता देता हूँ मैं कि मतलब सस्ते भी हैं और ठीक ही है, खा सकते हो आप क्योंकि आजकल के इस महंगाई के दौर में ये अगर दे रहे हैं तो मेरे को तो ठीक ही लगा है, और कम प्राइस में दे रहे हैं पराठा तो ठीक है दोस्तों। और बाकी आपको अगर सही लगता है तो आप खा सकते हैं और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की तरफ। अभी लो दोस्तों अब चलते हैं, राहुल भाई भी आ गए हैं गाड़ी में। वीडियो ले ली क्या? अरे भैया वो क्या शायरी सुनाते हो आप, वो मेरे समझ में नहीं आई, भूल गया मैं। कौन सी वाली? अरे वो सुनाते तो थे मैं। अच्छा वो अच्छा वो है भाई, देखो गोरे गोरे चेहरे दिलों के काले हैं, लंबे लंबे सांप आस्तीन में पाले हैं और मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। और ये जिंदगी का फलसफा है दोस्तों, थोड़ा सावधान रहिएगा ऐसे दोस्तों से। ये देखो दोस्तों ये एक्सपीरियंस ही बोलता है इंसान का, और इसका मतलब जिस भाई को समझ में आया हो तो मेरे को कमेंट में भी जरूर बताना, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। दोस्तों फ्लाइंग पराठे की अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे को काफ़ी यूनिक लगा था ये तो इसलिए आपको वीडियो में दिखाया है ये मैंने फ्लाइंग पराठा। और यहाँ ये सफदरगंज में एड्रेस है, टाइमिंग, प्राइसेस, लोकेशन सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।